अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू TCC। और आज हमारा लेक्चर जो है वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प का, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं HTML मीडिया और HTML टेबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि मीडिया बेसिकली क्या होता है। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जाके हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि क्या मीडिया क्या होता है। व्हाट इज मीडिया? तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देखें, इन कम्युनिकेशन मीडिया आर आउटलेट्स और टूल्स यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर कंटेंट। सो बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम अपने यूजर के साथ शेयर करें और उसको हम यूजर की सेंसेस के थ्रू शेयर करें उसके साथ, यानी कि यूजर के देखने पे डिपेंड हो और सुनने पे डिपेंड हो, तो वो मीडिया होगा। इसकी बेसिकली एग्जांपल्स इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज है कि हम इमेजेस और वीडियोस को देख सकते हैं और ऑडियो को हम सुन सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए हमारी सेंसेस इस्तेमाल हो रही हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन जिसको रिसीव करने के लिए सेंसेस इस्तेमाल हो, वो मीडिया कहलाता है। तो HTML के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया भी डिस्प्ले किया जा सकता है यूजर अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह के अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखें तो वहां पे हमें हर किस्म के मीडिया मिल रहा होता है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, हर किस्म की हमें उधर मीडिया दिखाई देती है। तो हम भी देखेंगे कि एक वेबसाइट के ऊपर मीडिया को कैसे ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें HTML के अंदर, हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इमेज को कैसे ऐड किया जाता है। तो अगर हम इस कोड की स्निपेट को देखें तो एक हमारे पास टैग यूज हुआ है जिसका सिर्फ एक ही टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इस सिंगल टैग में हमारे पास यूज किए गए हैं, एक इमेज का टैग हमारे पास यूज हुआ है, देन हमारे पास दो एट्रीब्यूट यूज किए गए हैं जो कि है src और एक एट्रीब्यूट है हमारे पास alt। src शॉर्ट फॉर्म है सोर्स के लिए और alt शॉर्ट फॉर्म है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। सो बेसिकली सोर्स जो एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा कि हमारी इस टैग को, इस एलिमेंट को, वो हमारी इमेज का सोर्स बताएगा, जिस सोर्स से हम अपनी जो इमेज अपने डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट मींस कि इन केस अगर ये वाली इमेज जो हमने इधर इसका सोर्स, हमने इसका जो टा इसका जो हमने पाथ प्रोवाइड किया है, ये हमें इस पाथ के ऊपर नहीं मिलती, या अगर कोई और एरर आ जाता है कि ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो सकती, देन उसके इमेज के अल्टरनेटिव एक टेक्स्ट बताया जाएगा जो हम इधर यहाँ पे लिखेंगे। सो ये था हमारी इमेज टैग। और अभी हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कोड करके देखेंगे अपनी वीएस कोड के अंदर। जैसा कि इधर देखा जा सकता है कि अगर ये कोड हम अपने वीएस कोड के अंदर लिखें तो ये वाली इमेज हमारी हमारे ब्राउजर के अंदर शो हो जाएगी। सो हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी एक फाइल images.html.html, बेसिकली एक्सटेंशन है फाइल की अगर भूल गया हो किसी को। सो हम यहाँ पे एक टैग बनाएंगे अपना img का, ऐसा टैग है, आई इमेज का टैग ऐसा है। देन इसके अंदर हमारे पास, जैसे कि हमने पिक्चर के अंदर देखा कि दो एट्रीब्यूट्स जाएंगे, एक एट्रीब्यूट src जो कि डिफाइन करता है हमारी लोकेशन की, इमेज की लोकेशन की, इमेज की जो हमारी फाइल है उसकी लोकेशन डिफाइन करता है ये। देन जो दूसरा हमारे पास एट्रीब्यूट है वो ऑल्ट का है, मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि इन केस अगर इमेज ना शो हो तो वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट उधर डिस्प्ले हो। सो हम अगर src पे जाएं और यहाँ पे लिखें ./, तो हमारे पास वो डायरेक्टरी आ जाएगी, वो फोल्डर हमारे पास इधर ओपन होगा जिस फोल्डर के अंदर हमारे पास जो हमारी HTML की फाइल है। अगर हम ./ डालें तो ये देख सकते हैं हमारे पास दो फोल्डर्स हैं और अपनी जो ये फाइल है। हम मीडिया सेलेक्ट करेंगे, देन हम सेलेक्ट करेंगे इमेज, ये होगी हमारी इमेज। अब इस इमेज को, इस फाइल को हम ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक कूल टिप शुरू करने वाला हूँ। बार बार, जैसा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखा गया कि हम बार बार अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाएंगे और बार बार हम इस फाइल को वहां से ओपन करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर स्पेशली एक्सटेंशन प्रोवाइड की जाती है। उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे ताकि हमें बार बार फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ना जाना पड़े और वहां पे हमें बार बार फाइल को ओपन वहां से ना करना पड़े। तो
हम जाएंगे ये इस टैब के अंदर जो कि एक्सटेंशंस का टैब, या हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्स, और यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम लिखेंगे लाइव सर्वर एंड फर्स्ट जो लिंक होगा हमारा इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल आ रहा है, लेकिन अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा ये एक्सटेंशन तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। जस्ट सिंपल इंस्टॉल करने के बाद आपका ये एक्सटेंशन वर्क करना शुरू कर जाएगा। तो अब हम अपनी फाइल में दोबारा आ जाएंगे। अगर मैं एज्यूम करूंगा कि आप सबने अपनी जो एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लिया है। फ्रॉम नाउ ऑन अपने तमाम बूट कैंप के अंदर हम एक्सटेंशन के साथ ही चलेंगे। सो नाउ अब क्या करेंगे हम, जब हमने कोड लिख लिया और हम नीचे इस बार के ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारा गो लाइव। अगर आपका फर्स्ट टाइम ऑप्शन नहीं आया इसको डाउनलोड करने से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक बार विजुअल स्टूडियो कोड रीस्टार्ट कर लें, देन इंशाल्लाह ये आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गो लाइव के ऊपर, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। एंड अब देखें कि इसने हमारी इमेज को हमें डिस्प्ले करवा दिया ऑटोमेटिकली हमारे एक ब्राउजर के अंदर। हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज का, हमें फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की और उसके अंदर जाने की। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया कि हमें हमारी इमेज को ब्राउजर के अंदर ओपन कर दिया। तो हमने ये इमेज ऐड की थी कोड के अंदर, और यहाँ पे हमारी इमेज ब्राउजर के अंदर शो हो चुकी है। तो ये इमेज का टैग था एचटीएमएल के अंदर कि इमेज को कैसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर देखा जाए इसका फॉर्मेट क्या होगा, अल्टरनेटिव में क्या लिखना है, तो अगर हम इमेज को रियलाइज करें यहाँ पे, इसको एनालाइज करें अगर जरा हम, तो एक छोटा सा पपी है जो कि ग्रास के ऊपर बैठा हुआ है और इसका कलर ब्राउन है। तो इसका जो एक अच्छा अल्टरनेटिव टेक्स्ट बन सकता है वो कुछ ऐसे है कि ए लिटिल डॉग सिटिंग ऑन ग्रास एंड हिज कलर इज ब्राउन। एक मुकम्मल डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होना चाहिए आपकी इमेज का। ना सिर्फ ये हेल्प करेगा कि आपकी जब इमेज शो ना हो रही हो तब आपका जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो यूजर को तो वो ये डिस्प्ले हो, उसके बजाय ये स्क्रीन रीडर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन रीडर्स बेसिकली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको कुछ नज़र नहीं आता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो तमाम लोगों के सामने एक अच्छा रिप्रेजेंट करे अपने आप को, उन लोगों के काम में भी आ सके जो लोगों को दिखाई नहीं देता, तो आप एक जो अपना अल्टरनेटिव टेक्स्ट है इसको अपनी इमेज जो आपकी होगी उसके डिस्क्रिप्टिव एनालाइज करके उसको, उसका एक डिस्क्रिप्टिव आपका जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा उस इमेज का, वो आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर डालना है। नेक्स्ट आप हमारे पास है एचटीएमएल वीडियो। हमने इमेज को देख लिया, अब हम वीडियो को देखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर एक वीडियो को कैसे ऐड किया जाता है। सो अगर हम इस कोड को थोड़ा सा एनालाइज करें, इसको देखें, इसको जरा हम देखें कि इसके अंदर क्या है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैग है वीडियो का टैग, जो कि हमारे बाकी कोड को रैप कर रहा है, बाकी कोड के अराउंड जा रहा है। वो टैग है वीडियो का टैग, एंड देन उसके अंदर हमारे पास एक टैग यूज हो रहा है, वो टैग है सोर्स का टैग। एक वीडियो का टैग है जो कि हमारा रैप कर रहा है तमाम कोड को, देन हमारे पास एक और टैग है सोर्स का टैग जो कि जिसके नेम के अंदर ही है सोर्स। बेसिकली क्या ही डिफाइन करेगा, ऑफ कोर्स वो सोर्स डिफाइन करेगा उस मीडिया की, जो उस हमारी जो फाइल होगी वीडियो की फाइल, उसकी बेसिकली लोकेशन बताएगा कि ये फाइल यहाँ पर मौजूद है, इसको वहां से लिया जाए और अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराया जाए, तो ये उसकी सोर्स होगी। अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो के टैग के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स यूज किएंगे विड्थ एंड हाइट। आई डोंट थिंक सो कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सिंपल ये एक जो मीडिया होगा हमारा, जो वीडियो होगी उसकी विड्थ और हाइट को डिस्प्ले करवा रहे हैं कि इतनी विड्थ की होनी चाहिए वीडियो और इतनी हाइट की होनी चाहिए। देन जो हमारे पास सोर्स के टैग्स मौजूद है, यहाँ पे देख लें कि दो सोर्स हैं। कोई सेंस तो नहीं बनती कि एक फाइल की दो सोर्स हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
बेसिकली दो सोर्स का मतलब ये है कि हम यहाँ पे दो मुख्तलिफ जगह पे अपनी फाइल को स्टोर करेंगे, देन जो हमारा वीडियो का टैग होगा इसको हम दो मुख्तलिफ सोर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर इन केस हमारा एक सर्वर या एक लोकेशन हमारा हमारे पास फाइल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो फाइल हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगी, देन जो हमारी दूसरी सोर्स होगी उस फाइल की वो वर्किंग करेगी और हमारा जो डिस्प्ले होगी वीडियो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होती रहेगी। हम अपना कंटेंट जो है अपनी वीडियो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर से लूज नहीं करेंगे। इसके अंदर सोर्स के टैग के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स चूज हुए हैं, SRC, जैसा कि इमेज के अंदर भी हमने देखा कि SRC सोर्स को डिफाइन करता है उस फाइल की लोकेशन को। देन जो दूसरा टैग है वो टाइप का है, इसके अंदर टाइप हमारी जाएगी वीडियो एंड स्लैश जो भी वीडियो की टाइप होगी, ठीक है। अगर हमारे पास MP4 की वीडियो है तो हम MP4 डालेंगे। यहाँ पे सेकंड सोर्स के अंदर OGG टाइप की वीडियो है, देन MKV है एंड अप टू सो ऑन। हम बहुत सी किस्म की टाइप्स की होती हैं वीडियो, हम यहाँ पे इसको गूगल करेंगे। गूगल बेसिकली आपको हर चीज करनी होती है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही या समझ आ भी रही है थोड़ी डाउटफुल है तो आप उसको गूगल कर लें, या कोई चीज आप न्यू सीख रहे हैं तो उसको गूगल कर लें। मैं बार बार गूगल पे इसी वजह से जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे चीज का पता नहीं होता, लेकिन ताकि आप लोगों की एक आदत बन जाए गूगल पे जाके सर्च करने की, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ वीडियोज डज HTML अलाउ। तो यहाँ पे एक हमारे पास कुछ लिस्ट आ जाएगी जो कि हमें डिफाइन करेगी कि हमारे पास किस किस्म की जो हमारे पास वीडियोस हैं वो HTML के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि वेब एम भी एक वीडियो है, वेब एम, देन MP4 हमने पहले ही देखा कि MP4 भी हमारे पास मौजूद होती है, वेब एम है, फिर .ogv है और एक .ogm है, देन OGG हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये कुछ वीडियोस हैं, टाइप्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद होती हैं HTML के अंदर जो हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं इसके अंदर हम जो सोर्स बेसिकली ओरिजिनल यूज कर रहे हैं वो MP4 है, और जैसा कि देख सकते हैं अगर ये वाला कोड अभी हम अपने ब्राउजर के अंदर लिखें तो ये वाली जो हमारी वीडियो है वो हमारे ब्राउजर के अंदर शो हो जाएगी। सो अभी हम इसको कोड को लिख के चेक करेंगे। हम एक न्यू फाइल बना लेंगे video.html, और यहाँ पे अंदर हम एक वीडियो का टैग ऐड करेंगे, जैसा कि हमने देखा है कि वीडियो का टैग मौजूद है, और इस वीडियो के टैग के अंदर सोर्स का एक टैग जाएगा सोर्स, एंड इस सोर्स के अंदर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करेंगे। देन इस सोर्स के अंदर हमारा कुछ एट्रीब्यूट्स जाएंगे, वो देखते हैं हम कि कौन से एट्रीब्यूट जाएंगे। सो इस सोर्स के एलिमेंट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट जो है हमारे हैं वो हैं SRC, जो कि डिफाइन करेगा लोकेशन को कि फाइल की लोकेशन कौन सी है, .slash अपनी पेरेंट फोल्डर के अंदर आ जाएगा जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल है, देन हमारे पास मीडिया का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी MP4 की एक फाइल मौजूद है। उसके बाद जो हमने एट्रीब्यूट देखा था सोर्स के अंदर वो था टाइप, देन हमें एक्सप्लेन करना है वीडियो स्लैश, हमारे पास MP4 टाइप की हमारे पास वीडियो मौजूद है तो हम इधर MP4 लिख देंगे। देन एक और अगर हम सोर्स डालना चाहें यहाँ पे, जैसा कि देखें अगर हमारे पास एक और सोर्स मौजूद हो सेम वीडियो की, उसकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, उसका लोकेशन ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी ही, तो एक और सोर्स भी हम इधर ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स में हमारी इस फोल्डर के अंदर मौजूद है वीडियो, तो हम सिर्फ एक ही सोर्स अपने इधर लगाएंगे। एक और चीज अगर आपने नोटिस की हो इधर कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि डिफाइन कर रहा है कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। अब ये कब शो होगा? हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर पहला सोर्स अगर कैंसिल हो जाए तो दूसरी सोर्स डिस्प्ले होगी, लेकिन क्या हो कि अगर दूसरी सोर्स भी कैंसिल हो जाए तो क्या होगा? अगर ब्राउजर सपोर्ट ही ना करता हो इस वीडियो टैग को तो क्या होगा?
तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे यूजर को एक ब्लैंक पेज उधर शो हो रहा हो जिसके ऊपर हमारी वीडियो ना मौजूद हो। तो हम क्या करेंगे कि हम इधर एक टेक्स्ट डाल देंगे जो जिसमें हम बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। क्या होगा कि मोस्टली ब्राउजर जो होते हैं, जो कि एक मेजर गूगल क्रोम है, देन हमारे पास सफारी है, फायरफॉक्स है, तो ये तमाम तो सपोर्ट करते ही हैं। कोई छोटा मोटा ब्राउजर लाइक टोर कोई ब्राउजर या इस तरह का कोई अगर वीडियो टाइप नहीं इस्तेमाल करता, तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर छोटी अमाउंट ही है यूजर की जो ऐसे ब्राउजर इस्तेमाल करती है जो वीडियो टैग नहीं अलाउ करते, लेकिन फिर भी हमें इसको इंक्लूड करना है ताकि अगर ऐसा कोई ब्राउजर में हमारी वेबसाइट को ओपन किया जाए जिसके अंदर वीडियो टैग अलाउ ना हो, तो उसको ब्लैंक ना शो हो उधर, उसकी बजाय एक टेक्स्ट जो हो, ये वाला टेक्स्ट कि आपका ब्राउजर आपकी हमारी जो वीडियो है उसको अलाउ नहीं करता। तो हमने इधर एक सोर्स अपनी डाली वीडियो के अंदर, और अगर हम अपने ब्राउजर के अब जाके इसको रिफ्रेश करें, हम अपने लाइव सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा लाइव सर्वर इस फाइल को डिस्प्ले करवा रहा है जबकि हमने इस फाइल पे अपनी वीडियो ऐड की है। तो अब हम इस फाइल के ऊपर शिफ्ट कर दिया अपना टैब हमने, अब हम इस फाइल के ऊपर आएंगे, देन अगेन हम लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमारे पास एक न्यू हमारे पास फाइल खुल गई है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी सी एक वीडियो ऐड हो गई है। तो अब हम जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि एक विड्थ और एक हाइट हमने इधर डिस्प्ले अपनी वीडियो टैग के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हम इधर चले जाते हैं अपनी वीडियो, हम इधर दो एट्रीब्यूट डालेंगे, एक विड्थ का जो कि हम कह देते हैं कि 500 पिक्सल, देन हाइट जो कि हम कह देते हैं 500 पिक्सल। अगर हम अब दोबारा अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएं और रिफ्रेश करें तो हमारी वीडियो एक छोटी सी मौजूद हो चुकी है। अब क्या है कि ये वीडियो चल नहीं रही, ऑफ कोर्स ये इमेज एक शो हो रही है हमें, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो होनी चाहिए थी, तो ये वीडियो मौजूद इधर क्यों नहीं है इसको भी देख लेंगे। अब ये वीडियो इधर मौजूद तो होनी चाहिए थी लेकिन मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है कि इधर मौजूद नहीं है, है मौजूद। अब क्या है कि ये प्ले नहीं हो पा रही, जो उसका पहला फ्रेम था वीडियो का जस्ट उसी पे वो स्टक है। हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा वीडियो का टैग है इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट जाएगा जो कि होगा कंट्रोल्स का। अब कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये नेम के अंदर ही डिफाइन है कि हमें कंट्रोल्स प्रोवाइड करेगा वीडियो के लिए। अगर हम देखें, रिफ्रेश करें अगर हम, तो हमारे पास एक वीडियो शो हो रही है जिसके हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, हमारे पास ऑडियो का कंट्रोल है, देन हमारे पास फुल स्क्रीन जाने का कंट्रोल है, और कुछ हमारे पास और डाउनलोड के कंट्रोल हैं, प्लेबैक एंड अप टू साउंड कुछ कंट्रोल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम अब प्ले बटन दबाएं तो हमारी एक वीडियो डिस्प्ले हमें इधर शुरू होना स्टार्ट हो गई है जो कि एक ट्यूटोरियल है अपने TCC के चैनल के ऊपर, आप तमाम लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल के ऊपर। अब ये वीडियो तो हमें शो होगी इधर, कंट्रोल्स भी हमारे पास मौजूद आ गए। तो ये था वीडियो टैग HTML के अंदर कि हम HTML के अंदर वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। HTML के अंदर अपनी हमने इमेज को भी देखा और वीडियो को भी देखा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ मूव करेंगे जो कि है HTML टेबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टेबल बेसिकली क्या होता है। तो हम अगर अपने यूजर को डेटा प्रोवाइड करें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर, तो वो हमारा टेबल कहलाएगा। जो लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं तो उन लोगों को इस बारे में मालूम होगा ही कि टेबल्स क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जिसमें एक हमारे कॉलम के अंदर, तो ये हमारा वर्टिकल जो होगा वो एक कॉलम होगा। इस कॉलम के अंदर हमारे पास नेम्स लिखे हुए हैं, देन इस कॉलम के अंदर हमारे पास उन नेम्स की जो पर्सन्स हैं उनकी हाइट लिखी गई है। देन अगर हम इसको देख लें कि हमारे पास वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली तो हमारे पास कॉलम्स थे, जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रोज होंगी। तो हर रो के अंदर एक बंदे का डेटा डिफाइन किया गया है, ये हमारे पास वेंडी है जो कि 5 फुट 6 है, देन माइकल है जो कि 5 फुट 7 है,
तो बेसिकली एक रो को एक बंदे के लिए डिफाइन किया गया है, और जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन्स को कॉलम डिफाइन कर रहा है, और देन ये कॉलम हाइट्स को डिफाइन कर रहा है। अब ये तो हो गया टेबल। अब टेबल को एचटीएमएल के अंदर कैसे लिखते हैं वो हम इधर अब देखेंगे। हमारे पास जिस तरह वीडियो का एक टैग था, कि एक टैग हमारे पूरे कंटेंट को रैप कर रहा था, यहाँ पर भी वही एक टैग हमारे एक पूरे कंटेंट को रैप कर रहा है। वहां पे वीडियो का टैग था, यहाँ पे टेबल का टैग है। टेबल क्योंकि हम टेबल डिफाइन कर रहे हैं तो टेबल का टैग। उसके अंदर हमारे पास तीन मुख्तलिफ किस्म के टैग्स मौजूद हैं। फर्स्ट टैग जो हमारे पास है वो है टी आर टैग, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग है। देन हमारे पास मौजूद है टी एच टैग, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग मौजूद है। देन हमारे पास थर्ड है टी डी टैग, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग मौजूद है इधर। अब हम एक एक करके तमाम टैग्स को डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। फर्स्ट टैग जो हमारे पास टेबल का टैग है, ये एचटीएमएल को डिफाइन करता है कि अब हमारा जो प्रोग्रामर है वो एक टेबल डिफाइन करने लगे हैं। तो ये तो डिफाइन करेगा एक पूरे टेबल को, एक पूरी चीज उसके टेबल के अंदर डिफाइन करेगा कि यहां से टेबल का कोड शुरू हो रहा है, और नीचे वाला डिफाइन करेगा कि यहां से ऊपर खत्म हो गया। देन उसके अंदर टी आर मीन्स टी फॉर टेबल, आर फॉर रो, टेबल रो। सो एक रो जो है टेबल की, उसको जो डिफाइन कर रहा है टैग वो है टी आर टैग। फॉर एग्जाम्पल ये जो टैग है, ये ऊपर वाला टैग टी आर, ये डिफाइन कर रहा है इस रो को। अगर हम देखें हमारे पास एक पर्सन है जो कि इधर है, देन हमारे पास हाइट्स है जो कि यहाँ पर मौजूद है। सो जो ये टी आर है ये इस रो को डिफाइन कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट टी आर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके अंदर डेटा है हमारे पास वेंडी एंड 5 फुट 6। यहाँ पे अगर देखें वेंडी 5 फुट 6, तो ये रो जो है इसको ये वाला कोड डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरह माइकल वाला है जो टी आर है वो इस रो को डिफाइन कर रही है। अगर हम देखें उमर वाली रो जो कि इस रो को डिफाइन कर रही है, देन हमारे पास टी आर जो एलन वाला है वो इस रो को डिफाइन कर रहा है। सो बेसिकली टी आर टैग एक टेबल की रो को डिफाइन करता है। देन हमारे पास जो दो मुख्तलिफ किस्म के टैग्स हैं, टी एच एंड टी डी, दोनों टैग्स टी एच भी और टी डी भी टेबल के अंदर एक सेल को डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक ये सेल है, ये सेल है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, सेल्स मौजूद हैं हमारे टेबल के अंदर। तो जो टी डी है और टी एच है दोनों सेल्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन फर्क कितना है कि जो टी एच है मीन्स टेबल हेड, जो कि टेबल के टॉप पर मौजूद होता है, इसका अब क्या, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ी सी जो अपेयरेंस है वो चेंज है, कि ये वाला टैग थोड़ा सा नॉर्मल वेट है और ये थोड़ा सा बोल्ड में मौजूद है हमारे पास। देन इसका थोड़ा सा सेमेंटिक मीनिंग भी मौजूद है, कि ये हमारे पास हेड है टेबल का, हेडिंग है, और यहां से नीचे क्या है, सारा डेटा है। ये था टी एच टैग। देन टी डी मीन्स टेबल डेटा, नाम के अंदर ही मौजूद है कि टेबल के अंदर जो भी हम डेटा प्रोवाइड करेंगे वो हमारा टी डी के अंदर जाएगा, उसकी जो हेडिंग होगी टी एच के अंदर जाएगी। अब देखेंगे इसको हम अपने वीएस कोड के अंदर, इस टेबल को हम बनाएंगे। हम अपना एक न्यू फाइल बना लेंगे, टेबल डॉट html, और यहाँ पे हम एक डिफाइन कर लेंगे टेबल का टैग जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग है। देन अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 रोज हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 5 रोज बना लेंगे टी आर। अब आप क्या कर सकते हैं कि वीएस कोड यूज करने के एक पर्क जो है वो ये भी है कि आप यहाँ पे एमिट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता मालूम है ना कि हमने 5 बार टी आर टैग्स बनाने, टी आर का ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग भी है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें 10 टैग्स हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम यूज करते हैं वीएस कोड के अंदर एमिट, अगर हम यूज करें तो हम सिंपली लिखेंगे टी आर मल्टीप्लीकेशन साइन, देन हमें कितने, मैं भूल गया कितने टैग्स बनाने थे हमें, 1 2
थ्री फोर एंड फाइव, हमें फाइव टैग्स बनाने हैं, तो टी आर मल्टीप्लाई बाय फाइव। अगर हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास पांच टी आर के टैग्स मौजूद आ गए, जो कि हमें बार मैनुअली नहीं इनपुट करने पड़े। तो ये एक फायदा है वीएस कोड को यूज करने का, एमिट। देन अगर हम अपनी फर्स्ट रो के अंदर देखें, जो कि हमारी हेडर रो है, तो हमारे पास दो सेल्स मौजूद हैं, एक पर्संस एक हाइट। तो यही हम इधर अपना इनपुट करेंगे डेटा, हम लिखेंगे टीएच क्योंकि हम हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पर्संस, और इसके बाद हम एक टीएच लिखेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे हाइट। अब हम रो चेंज करेंगे क्योंकि इस रो के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज थी। अब नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास जो हमने डेटा इनपुट करना है वो हमने इनपुट करना है। तो हम इस रो से, ये एक रो थी, इस रो से हम बाहर आएंगे और अपनी नेक्स्ट रो के अंदर आएंगे। सो इस रो से हम बाहर आए, अपनी नेक्स्ट रो ये वाली है, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने टी एच ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अपनी हेडिंग हम डिफाइन कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम टी डी डिफाइन करेंगे। सो टेबल डेटा, हमारे पास पहला टेबल डेटा क्या है, वेंडी एंड देन 5 फुट 6। सो अब यहाँ पे कुछ चीज जो समझने वाली है वो ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लिखें 5 फुट 6 इंचेस एंड देन हम एक टी डी डालें और यहाँ पे लिखें हम वेंडी। अगर हम इसको इसको अगर हम अपने ब्राउजर पे आए और यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट, सो ये ओपन हो जाएगा हमारा फाइल। तो अब क्या हुआ, इधर हम डेटा के अंदर थोड़ी सी जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ये है कि पर्संस के नीचे हमें हाइट शो हो रही है और हाइट के नीचे हमें नेम शो हो रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको फिक्स करना ऐसा है कि जो आपने हेडिंग्स बेसिकली प्रोवाइड, जिस हायरार्की के अंदर, जिस ऑर्डर के अंदर अपनी हेडिंग्स प्रोवाइड की हों, उसी ऑर्डर के अंदर आपने अपने जो नीचे डेटा है वो भी प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन आपने पहले प्रोवाइड किए थे तो जितने भी आपके नेम आएंगे टेबल के अंदर वो आपकी हाइट से पहले आएंगे। तो हम यहाँ से अपना इसको कट करेंगे और यहाँ से ऊपर पेस्ट करेंगे, और अगर हम अपने देखें इसके अंदर रिफ्रेश करें तो हमारे पास नेम पर्सन के नीचे आया, देन हाइट के नीचे हाइट आ गई। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट डेटा भी इनपुट करेंगे, जो कि है हमारे पास माइकल एंड 57। टी डी आएगा ऑफ कोर्स क्योंकि डेटा है माइकल, एंड देन एक और टी डी आएगा जो कि है 5 फुट 7 इंचेस। देन अगेन हमारा नेक्स्ट रो हमारी आ जाएगी उमर 59। टी डी, मैंने जरा पाकिस्तानी टच देने के लिए डेटा के अंदर नेम ऐड कर दिया उमर, देन टी डी 5 इंचेस, 5 फुट 9 इंचेस। देन लास्ट जो हमारे पास है टेबल डेटा वो है एलन, एन टी डी कोर्स क्या हाइट है एलन की, 6'10" हो इज टॉल, सो 6 फुट 10 इंचेस। अगर हम अपने ब्राउजर के ऊपर जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास एक डेटा हमारे पास शो हो चुका है जो कि हमने इधर क्रिएट किया था, लेकिन कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, कुछ बॉर्डर्स मौजूद आए हैं, कुछ ऐसी चीजें। तो वो क्या है, हमने टेबल के टैग के अंदर जो अपना एक एट्रीब्यूट पास किया है बॉर्डर, उसकी वजह से यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा है। तो हम अपने कोड के अंदर भी टेबल के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे बॉर्डर, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 2। तो अगर हम अपने ब्राउजर के अंदर देखें तो 2 वाइड एक बॉर्डर हमारे पास मौजूद है, और ये एक नाइस सा हमारे पास, एक छोटा सा हमारे पास इधर टेबल बन चुका है जो कि हमने क्रिएट किया है अपने टेबल के अंदर। अब टेबल्स यहीं तक नहीं, अब यहाँ से अगर थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड और भी करेंगे, हम देखेंगे सेमेंटिक्स ऑफ एचटीएमएल टेबल। बेसिकली हमने टेबल तो बना लिया, लेकिन इसको और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, इसको चेंजिंग बेसिकली इसमें अपेयरेंस में, अब जो हम कोड करने वाले हैं उससे इसकी अपेयरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि इसका जो मीनिंग है वो बढ़ जाएगा, ये ज्यादा सिमेंटिकली करेक्ट हो जाएगा। हम देखेंगे 3 मुख्तलिफ टैग देखेंगे, टी हेड, टी बॉडी, देन टी
तीन मुख्तलिफ टैग, हम टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। इन तीन टैग्स को ऐड करने से, अगेन मैं बता रहा हूँ कि अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, डेटा के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट सेमेंटिकली आपका टेबल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अपने अगर हम टेबल को एक्सपेंड कर लें और देखें, हमारे पास फर्स्ट जो हमारी रो है उसके अंदर हमने जो टैग्स यूज किए हैं वो टी एच है, मीन्स टेबल हेडिंग। तो वो अगर हम मैच करें तो टेबल हेड एंड हेडिंग कुछ हल्का सा मैच कर रहा है, तो हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो टेबल हेड के अंदर जाएंगे। सो अगर हम इसको यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दें तो ये हमारा हो चुका टेबल हेड। देन जो रिमेनिंग जो भी डेटा है ना टेबल का, वो टेबल बॉडी के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम टेबल हेड के फौरी बाद अपनी टेबल बॉडी को पेस्ट करते हैं, देन अपना सारा का सारा डेटा यहाँ से हम करेंगे कट और अपनी टेबल बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास दो मुख्तलिफ टैग्स मौजूद हैं टेबल हमारे के अंदर, एक टेबल हेड एंड देन टेबल बॉडी। अब टेबल फुट क्या है? जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं उसमें तो हम टेबल फुट नहीं यूज कर रहे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम इसकी बजाय अपने पर्सन की और हाइट्स की बजाय हम यहाँ पे कर रहे होते कि ग्रोसरी आइटम्स देन उनकी प्राइस, तो हम नीचे क्या करते, यहाँ पे हम लिखते टोटल और वहां पे हम क्या करते उस तमाम का जो होता सम हम वो लिख देते। तो अब जो नीचे जो सम आता ना, जो टोटल आता, ये जो हम एरिया आता, अगर हम यहाँ पे टेबल बना रहे होते ग्रोसरी आइटम्स का और उनकी प्राइस का, तो जो टोटल सम आता वो हमारी टेबल फुटर के अंदर आता। सो बेसिकली अगर टेबल के टॉप के ऊपर कोई मीनिंगफुल चीज हो, हमारे पास रो हो, तो वो हमारी जाएगी टेबल हेड के अंदर, टॉप पर हो तो टेबल हेड, बॉटम पे ऊपर अगर कोई मीनिंगफुल चीज हो तो टेबल फुट के अंदर जाएगी, और जो भी हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टेबल के अंदर वो हमारी टेबल बॉडी के अंदर जाएगा, विच इज टी बॉडी। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम टेबल फुट नहीं यूज कर रहे, तो हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे और हम अपने अगर ब्राउजर में जाके देखें तो अपेरेंटली तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। मैंने पहले भी बताया था कोई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हमने बेसिकली कोई कंटेंट ऐड नहीं किया, जस्ट सिमेंटिक्स ऐड किए हैं इसके इसके एसईओ के लिए ज़्यादा बेहतर है, और आपका जो स्क्रीन रीड एक्सेसिबिलिटी आपकी इंक्रीज करता है ये वेब पेज की। तो ये आपने सिमेंटिकली अपने टेबल को इनकोरेक्ट आपने ऐसे करना है कि आपने टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फुट का जो है ये तीन टैग्स यूज करने हैं, और उसके अंदर आपका जो टेबल रोज जाएंगी सारी, और उन रोज के अंदर आपका डेटा जाएगा। फर्स्ट रो जो होती है मोस्टली वो टी एच के साथ होती है, क्योंकि टेबल हेडिंग आप फर्स्ट रो में प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फर्स्ट रो में नहीं प्रोवाइड करनी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा कौन सा यूज केस होगा कि हेडिंग सेंटर में आएगी, लेकिन अगर आपने सेंटर में करनी है तो आप इधर भी कर सकते हैं टी एच यूज, इस रो के अंदर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी, जिस रो के अंदर मर्जी चाहे टी एच यूज हो सकता है, लेकिन करेक्ट वे तो यही है कि टॉप पर ही आए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग आती है देन हमारा जो है डेटा आता है। सो ये थे एचटीएमएल के टेबल्स। आप सबका शुक्रिया आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आपको आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।